नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाक से खून बहने के बारे में, जिसे कि हम नक्सीर या फिर नोज ब्लीड भी कहते हैं। दोस्तों, नाक से अचानक खून आना हर किसी को डरा सकता है। शुरुआती दौर में नाक से खून आने के कारणों का सही पता नहीं चल पाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह मामूली कारणों की वजह से ही होता है और इसे घर में ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन स्थिति गंभीर होने पर इस समस्या में तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आमतौर पर नाक से खून आने की समस्या नाक की रक्त वाहिकाओं में रक्तस्राव के कारण होती है और इसका सबसे आम कारण होता है नाक की झिल्ली का सूख जाना व नाक में चोट लगना होता है। और ऐसा होने पर आप नाक को कुछ देर के लिए बंद कर दें, और अगर आपको यह समस्या लगातार या फिर बार बार हो रही है तो इसकी वजह से आपको खून की कमी यानी कि एनीमिया भी हो सकती है, और इसमें खून के ज़्यादा बहने से आपको कमजोरी भी आ सकती है या फिर आप बेहोश भी हो सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसके प्रकारों की, तो नाक से खून बहने के प्रकार को उसके खून बहना शुरू होने की जगह के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और जिसमें कि एंटीरियर यानी कि नाक के आगे से या फिर पोस्टीरियर यानी कि नाक के पीछे से, उन दो प्रकार को शामिल किया जाता है। सबसे पहले बात करें एंटीरियर नक्सीर की, तो इसमें नाक के आगे के हिस्से से खून बहता है, और इसमें नाक से खून का बहना आमतौर पर नाक के सेप्टम की रक्त वाहिका से होता है, और नाक से खून बहने की यह स्थिति आसानी से नियंत्रित हो जाती है और इसे घर या फिर डॉक्टर के इलाज से ठीक किया जा सकता है। बात करें पोस्टीरियर नक्सीर की, तो इसमें नाक के पीछे से खून बहता है, लेकिन ऐसा होना दुर्लभ होता है और यह समस्या ज़्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती है, और इसमें नाक के पिछले हिस्से की नसों से खून बहता है, और इस स्थिति में नाक से खून बहना बेहद ही गंभीर माना जाता है। लगातार नाक से खून बहने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और जहाँ पर नाक कान और गले के विशेषज्ञ यानी कि ENT स्पेशलिस्ट जो है वो इसका इलाज करते हैं। दोस्तों, बात की जाए इसके लक्षणों की, तो नक्सीर फूटने का मुख्य लक्षण नाक से खून का आना होता है, और यह कम और ज़्यादा दोनों ही हो सकता है, और यह नाक के किसी एक हिस्से या फिर नाक के दोनों ही हिस्सों से भी आ सकता है। नाक से खून आने की स्थिति के दौरान आप लेट जाएं, जिससे कि नाक से बहने वाला खून गले से दोबारा अंदर जा सके, और स्थिति में आपको अच्छा नहीं लगेगा और इस कारण आपको उल्टी या मटली आ सकती है। नाक से खून बहने के कुछ मामलों में तुरंत चिकित्सकीय इलाज की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन पर खास ध्यान दीजिए, जैसे कि अधिक ब्लीडिंग हो रही हो, दिल की धड़कन का अनियमित होना, अधिक मात्रा में खून अंदर जाने से उल्टी होना, या फिर सांस लेने में परेशानी, या फिर त्वचा का पीला पड़ना वगैरह। दोस्तों, नाक से खून बहने पर डॉक्टर के पास कब जाना है, तो बार बार नाक से खून आने पर जाना है। किसी नई दवा का सेवन करने से नाक से खून आने की स्थिति में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नाक से खून आने के साथ ही शरीर में कहीं नील पड़ने पर, या फिर हाल ही में कीमोथेरेपी कराने के बाद नाक से खून बहने पर, या फिर नाक के अलावा अन्य स्थानों से रक्त आने पर, जैसे कि मूत्र या मल में, या फिर अधिक मात्रा में खून निकल जाने की स्थिति में, या फिर जब खून की उल्टी हो रही हो, या फिर सिर का हल्का हल्का घूमना या फिर चक्कर आने की स्थिति में, या फिर यदि आप नाक से निकलने वाले ब्लीडिंग को रोकने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बात की जाए इसके कारणों की, यानी कि नाक से खून क्यों बहता है, तो नाक से खून आने के दो सामान्य कारण माने जाते हैं। सबसे पहला होता है ड्राई एयर यानी कि शुष्क हवा। शुष्क हवा के कारण जब आपकी नाक की झिल्ली सूख जाती है, तो वे रक्तस्राव और इन्फेक्शन के लिए अधिक संवेदनात्मक हो जाती है। और नाक को छेड़ना या फिर किसी कठोर चीज़ से खुजलाना, तो नाक को छेड़ना जैसे कि किसी पेन या पेंसिल से नाक को खुजलाना या उसको नाक के अंदर डालना भी नाक के अंदर रक्त वाहिकाओं के चोट लगने का कारण हो सकता है, और इस वजह से भी नाक से खून आता है। यह समस्या बच्चों में देखी जाती है, मगर कई बार बड़े लोग भी नाक के अंदर इस तरह से खुजली करते हैं। अगर बात की जाए इसके अन्य कारणों की, तो उसमें है साइनोसाइटिस यानी कि साइनस में सूजन आना, एलर्जी, एस्पिरिन जो कि एक दर्द की दवा होती है उसका उपयोग करना, खून का पतला करने वाली दवाएं लेना जैसे कि वारफारिन और हेपरिन, हीमोफीलिया यानी कि रक्त जमने में मुश्किली होना, शरीर के रसायनों में गड़बड़ी जैसे कि अमोनिया में कोकेन का उपयोग करना, ठंड में एलर्जी होना और लगातार नाक का बहना, कम नमी और शुष्क जलवायु वाले गर्म मौसम नाक के अंदर की त्वचा जो है उसके सूखने और फटने का कारण बन सकते हैं, जिससे कि नाक से खून आने लगता है। नाक के लिए दवा की तरह इस्तेमाल होने वाले स्प्रे का ज़्यादा प्रयोग करना या फिर नाक में गंभीर चोट लगना। और नाक से खून आने के बहुत ही दुर्लभ कारणों की बात की जाए, तो उसमें है शराब ज़्यादा पीना, ब्लीडिंग से होने वाले विकार, ब्लड कैंसर, जिगर की बीमारी, नाक का मांस बढ़ना, नाक की सर्जरी करवाना, नाक में ट्यूमर होना या फिर गर्भावस्था की दूसरे तिमाही में। दोस्तों, बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाता है, तो नाक से खून बहने की स्थिति को रोकने के लिए आप कुछ बचाव अपना सकते हैं, जैसे कि अपनी नाक को किसी भी चीज़ से ना खरोचें और अपने नाखूनों को भी छोटा रखें, नाक को जोर से ना छींके, और खेल गतिविधियों के दौरान सुरक्षात्मक वस्तुओं को जरूर पहने जिससे कि आपकी नाक और सिर पर चोट ना लगें,
नाक में इस्तेमाल करने वाले स्प्रे के अधिक उपयोग से भी नाक में खून आ सकता है, अतः इसका नियंत्रित प्रयोग करें। सर्दी के दौरान ठंड व शुष्क जलवायु में अधिकांशतः नाक से खून आने की समस्या देखी जाती है। पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन या फिर स्प्रे का इस्तेमाल करके आप अपनी नाक की नाली में नमी बनाए रख सकते हैं। और नाक से खून आना यदि किसी अन्य कारणों से संबंधित है, जैसे कि लिवर रोग या फिर पुरानी साइनस की स्थिति, तो सबसे पहले आपको इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और धूम्रपान ना करें, इससे आपकी नाक के अंदर परेशानियाँ हो सकती है और नाक में रूखापन भी हो सकता है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका निदान कैसे किया जाता है। तो रोगी की जाँच के बाद ही इस समस्या के कारणों का पता लगाया जा सकता है। कुछ व्यक्ति कम ब्लीडिंग होने पर भी डॉक्टर से इसका चेकअप करवा सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जांच करने वाले डॉक्टर को ब्लीडिंग के स्रोत का पता लगाने के साथ इस बात पर भी गौर करेंगे कि खून जो है वो नाक के अगले या पिछले हिस्से से बह रहा है। इसके अलावा नाक से खून बहने में व्यक्ति के स्वास्थ्य की पूर्व स्थितियों और हाल की जाँच के आधार पर इसके सटीक कारणों का पता लगाया जाता है। नाक की जाँच करने के लिए आपके डॉक्टर नाक के अंदर सुन्न करने वाली दवाओं को डालते हैं और उस क्षेत्र की रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालते हैं, और इन दवाओं के इस्तेमाल से परीक्षण में ज़्यादा दर्द नहीं होता है। और इसके बाद एक उपकरण को नाक में डालकर नाक के अंदरूनी हिस्सों को देखा जाता है और रक्त आने की वजह को जांचा जाता है। नाक के पिछले हिस्से की जांच तब की जाती है जब नाक के अगले हिस्से में ब्लीडिंग का स्रोत नहीं मिलता या फिर वहाँ से ब्लीडिंग नहीं रुकता, और इस समस्या में लैब टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि नाक से ज़्यादा खून बहने की स्थिति में खून की मात्रा का आकलन करने के लिए ब्लड काउंट टेस्ट किया जा सकता है। और रक्त के थक्के से संबंधित विकार वाले व्यक्तियों व जिन लोगों का खून पतला हो गया है, उनको भी प्रयोगशालाओं में अतिरिक्त रक्त परीक्षण करवाने की सलाह दी जाती है। और नाक से खून बहने के पीछे कैंसर जैसे दुर्लभ कारणों का संदेह हो तो भी कुछ परीक्षण किए जा सकते हैं। दोस्तों बात करें इसके इलाज की, तो इसके कुछ इलाज हो सकते हैं, जैसे कि इस स्थिति में आप शांत रहें, विचलित ना हो। यदि आपको घबराहट होने लगे तो आपको इस स्थिति में अधिक ब्लीडिंग हो सकता है, और इस दौरान आराम करने की कोशिश करें। आराम से बैठकर नाक को साफ कर लें और इसके बाद नाक की हड्डी के हिस्से को ऊपर फैलाएं, इससे ब्लीडिंग रोकने में मदद मिल सकती है। मुंह से सांस लीजिए। नाक से खून को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर या किसी साफ कपड़े का प्रयोग करें। साइनस और गले में खून जाने से रोकने के लिए आगे की ओर झुकें, सीधे बैठें ताकि आपका सिर जो है वो हार्ट से ऊपर रहें, और इससे ब्लड प्रेशर कम होता है और नाक से खून बहना बंद हो जाता है। नाक पर दबाव डालना जारी रखें और आगे की ओर झुके रहें, और इस दौरान आप 5 मिनट से 20 मिनट तक सीधा बैठे ताकि खून बहना रुक जाए। अगर 20 मिनट के बाद भी खून निकलता ही रहता है तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ दिनों तक नाक को ना छींके, रगड़े या फिर छुएं। नाक से खून बहने के बाद कुछ दिनों तक नाक और गाल पर बर्फ की सिकाई करें। नाक के पिछले हिस्से से खून बहना अपने आप बंद नहीं होता है और यह काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है, और आपको इसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। और ऐसा होने पर बहते खून को रोकने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा नाक में पोस्टीरियर नेजल पैकिंग डाली जाती है। नाक से खून बहने की समस्या को रोकने के लिए खून को पतला करने वाली दवाओं की मात्रा को कम करना या फिर उनके इस्तेमाल को बंद करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली दवाएं लेना जरूरी हो सकता है। और इसके अंतर्निहित कारणों में सुधार के लिए ऑपरेशन भी किए जाते हैं, जैसे कि नाक की हड्डी टूट जाने की स्थिति होती है तो उसको ठीक करना, नाक की हड्डी की समस्याओं को ठीक करना वगैरह। अब दोस्तों बात करते हैं कि गर्मी में नाक से खून क्यों आता है। तो दोस्तों नाक से खून आना, जिसे कि हम एपिस्टैक्सिस या के रूप में भी जानते हैं, यानी कि रक्त वाहिकाओं में डैमेज के कारण होने वाली ब्लीडिंग, तो यह एक आम समस्या होती है जो कि बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। नाक से खून आना अधिकतर किसी गंभीर समस्या का संकेत नहीं होता। ज़्यादातर यह समस्या गर्मियों के मौसम में होती है, और नाक से खून तब आता है जब गर्म हवा नाक में जाने से या फिर नाक के अंदर सूखा बलगम फंसने की वजह से रक्त वाहिकाएँ फट जाती है। नाक से खून आने की समस्या आमतौर पर 2 से 10 वर्ष के बच्चों और 50 से 80 वर्ष के वयस्कों में होती है। गर्मियों में शुष्क हवा चलती है जो नाक के लिए बेहद ही खराब होती है। गर्मियों में शुष्क हवा के कारण नेजल कैविटी के अंदर की नाजुक और सुरक्षात्मक परत सूख जाती है, और इसके कारण भी नाक से खून आने लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।